अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाना सिखा रही हूँ। इंस्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, झटपट क्विक। किस तरह से आप पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना सकते हैं, 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे ये बनाने में। तो आएँ जल्दी से बनाते हैं और आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तकरीबन 250 ग्राम मैंने फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज़ ले ली हैं। इनको थोड़ा सा नमक डाल के मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इतना फ्राई करना है कि ये फुली कुकड हों। 1/4 कप पिज़्ज़ा सॉस हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप रेडी टू कुक जो होती हैं वो ले लें या अपने घर की बना लें। चिली गार्लिक केचप 1/4 कप, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, कुछ वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 1 अनियन ले लिया, उसको हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। 1 शिमला मिर्च, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 जैलपीनो, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं और मुट्ठी भर के मैंने बॉयल किए हुए कॉर्नस ले लिए हैं जो कि मेरे पास घर पर मौजूद थे। आप चाहें तो आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। 1 कप मैंने मोज़रेला और चेडर मिक्स करके चीज़ ले ली है, तकरीबन आधा आधा कप हैं दोनों। 1/4 कप मायोनीस। अब आते हैं हम असेंबलिंग की तरफ, बिल्कुल सिंपल इजी, झटपट इसको आप असेंबल भी कर लेंगे। थोड़ी सी चीज़ मैंने पहले बेस पे लगा दी है, उसके बाद हम आधी फ्राइज़ इसमें सेट करेंगे। इसी तरह का आप बर्तन ले लीजिएगा जिस तरह का बर्तन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें चिली सॉस और साथ में पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें जाएगा आधा मायोनीस। अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे ताकि सारी फ्राइज़ पे अच्छी तरह से सॉसेस लग जाएं और खाने में बहुत ही मज़ेदार बने ये। अब हाफ जो है मैं वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम स्प्रिंकल करेंगे इस पे हाफ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ऑरिगेनो का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है तो उसको आपने स्किप नहीं करना है। उसके बाद मैं सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करूंगी। उसी तरह से मैंने चीज़ स्प्रिंकल की, उसके बाद फ्राइज़ रखे, उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके बाद चिली गार्लिक केचप मैंने इस पर लगाया, साथ ही साथ मायोनीस, और उसके बाद मैंने इस पर चिली फ्लेक्स और वेजिटेबल्स सारी जो है वो ऐड कर दी। तो सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है और अच्छी तरह से जो है सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। लेकिन आपने पॉट का ख्याल रखना है कि आपने इसी तरह की प्लेट या इसी तरह का बाउल लेना है जिसमें आराम से सारी चीज़ें ऐड हो जाएं। एंड में जो है मैं इसको चीज़ के साथ कवर कर दूंगी। जो हमारा लास्ट असेंबलिंग का प्रोसेस होगा वो होगा चीज़। अच्छी तरह से इसको चीज़ के साथ कवर करने के बाद हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 2 से 2.5 मिनट। उसमें आपके वेजिटेबल्स भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और चीज़ भी मेल्ट होके बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनते हैं वैसे ही आपके ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनेंगे। इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस की लिंक्स मिल जाएंगी, उनको भी लाइक एंड शेयर कर दें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। रिटन रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।